कालिंदी अपने पति नीरज, 4 वर्षीय बेटी निधि, देवर विपुल और उसकी पत्नी वर्षा के साथ रहती थी। उसके सास ससुर का देहांत हो चुका था। उसकी एक ननद थी जिसका नाम काव्या था और उसकी शादी भी उसी शहर में हुई थी, तो उसका आना जाना भी घर में लगा रहता था। आज कालिंदी रसोई में कढ़ी चावल बना रही थी क्योंकि आज उसके पति नीरज की छुट्टी थी और उसने कढ़ी चावल खाने की फरमाइश की थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसकी ननद काव्या का फोन था। उसने फोन उठाया तो वह कहने लगी, भाभी अगले सप्ताह मेरी शादी की सालगिरह है तो घर में थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन रखा गया है, तो आप भी सुबह मेरे घर आ जाना। पिछली बार की तरह इस बार भी रसोई में थोड़ी मदद कर देना। कालिंदी सोच में डूब गई कि पिछली बार भी उसने मदद के नाम पर बुलाया था, लेकिन रसोई का सारा काम उसके ऊपर छोड़कर वह तो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने में लगी हुई थी। और उसी दौरान उसने कुछ ऐसी बातें सुन ली थी कि कालिंदी को इस बार वहां जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसने धीरे से कहा, दीदी इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कहीं भी जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। काव्या तो हैरान ही रह गई क्योंकि कालिंदी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और काव्या यही चाहती थी कि कालिंदी उसकी शादी की सालगिरह में सभी मेहमानों के लिए खाना बनाए। इसलिए वह तुरंत ही अपना पर्स उठाकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी। एक ही शहर में मायका होने से वह अकेले ही मायके चली जाती थी। जब काव्या घर पहुंची तो उसकी छोटी भाभी वर्षा बरामदे पर बैठकर मोबाइल यूज कर रही थी। उसे देखते ही वर्षा चहकते हुए आई और उसके गले से लग गई। दोनों में खूब बनती थी। वर्षा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वह तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहती थी, तो उसमें से काव्या को भी कुछ न कुछ सामान देती रहती थी, जिसके कारण वह काव्या की चहेती भाभी थी। उसकी बड़ी भाभी कालिंदी सादगीपूर्ण ढंग से रहती थी, ज्यादा मेकअप नहीं करती थी और उसे किसी की चापलूसी करना नहीं आता था, तो काव्या उसे सीधी सादी और बिल्कुल गंवार औरत समझती थी और बस अपना काम निकालने भर से मतलब रखती थी। वर्षा काव्या के साथ हॉल में आई और उसने कालिंदी को आवाज लगाते हुए कहा, दीदी देखिए काव्या दीदी आई है। कालिंदी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और काव्या के पास आकर बैठ गई। काव्या ने धीरे से कहा, भाभी आप नहीं आएंगी तो मेरा फंक्शन अधूरा ही रह जाएगा, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपने आने से मना क्यों किया। इतना कहकर वो बार बार मनुहार करने लगी तो कालिंदी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, चलो ठीक है तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे फंक्शन में आ जाऊंगी। फिर वर्षा से कहने लगी, अच्छा वर्षा सुनो ना, आज शाम को शॉपिंग पर चलते हैं, मैं फंक्शन में जाने के लिए एक नई साड़ी ले लेती हूँ, क्या कहती हो तुम। वर्षा चहकते हुए बोली, हाँ दीदी ठीक है आज शाम को चलते हैं। लेकिन उसी वक्त काव्या तपाक से बोल पड़ी, अरे भाभी मैं तो बस आपको वहाँ पर खाना बनाने के लिए ही बुला रही हूँ। वो क्या है ना कि मेहमानों को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया था, इसलिए तो कह रही हूँ कि फंक्शन आपके बिना अधूरा रह जाएगा। आप आओगी, सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओगी, तभी तो सब लोग एंजॉय करेंगे ना। बाकी आपको फंक्शन में आकर करना ही क्या है, खाना बनाने के बाद मेरे कमरे में आराम कर लेना, क्योंकि इतना सारा खाना बनाने में आपको थकान भी तो हो ही जाएगी ना। फिर जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो आप घर वापस चली आना, इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी कि आपको फंक्शन के लिए नई साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ मेहमानों के सामने नहीं आना, क्योंकि ससुराल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि काव्या की बड़ी भाभी एकदम फूहड़ और गवार है। फिर बड़ी भाभी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, दीदी अगर मेरी वजह से आपको इतनी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो फिर मैं वहाँ खाना बनाने भी किस लिए जाऊँ, आप अपनी चहेती छोटी भाभी से ही सारा खाना बनवा लीजिए। काव्या कहने लगी, अरे भाभी आप तो बुरा ही मान गई, अरे कोई देखने में सुंदर होता है तो किसी के हाथों में जादू होता है, अब आप खाना इतना अच्छा बनाती हैं तो खाने की तारीफ भी तो होती है ना। कालिंदी गुस्से में बोली, मुझे ऐसी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, जब मेरे बनाए खाने की तारीफ होती है तो क्या आपने एक बार भी अपने उन रिश्तेदारों और ससुराल वालों को बताया कि मेरी जिस भाभी का मजाक आप लोग उड़ाते हैं यह खाना उसी भाभी ने बनाया है। नहीं तब तो आप उन लोगों के मजाक में खुद भी शामिल हो जाती हैं। मैंने पिछली बार भी सुना था, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त मुझे उन लोगों की बातों से इतना दुख नहीं पहुंचा जितना आपकी खामोशी और हंसी से पहुंचा था। आप भी तो उनके मजाक में साथ देकर मेरा अपमान कर रही थी। मैंने तो तभी सोच लिया था कि अगली बार जब आपकी ससुराल में कोई फंक्शन होगा तो मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं बार बार आपको मना भी कर रही थी, लेकिन आप ही जिद कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है आपकी खुशी के लिए इस बार भी चली जाती हूँ। लेकिन आज आपने जिस तरह खुलकर मेरा अपमान किया है उसके बाद मैं कभी भी आपके घर नहीं जाऊंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। काव्या गुस्से में बोली, मैं अभी भैया से आपकी शिकायत करती हूँ, वही आपकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। थोड़ी देर के बाद नीरज वहाँ पर आया तो काव्या कहने लगी, देखो ना भैया बड़ी भाभी कितनी कामचोर हो गई है,
मेरे ससुराल में जाकर मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अरे ये वहाँ पर जाकर थोड़ा पकवान बना देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा इनका, एक ही काम तो इन्हें ढंग से आता है और वह भी ये नहीं करना चाहती है। आप अपनी पत्नी को थोड़ा समझाओ। नीरज कहने लगा, जाने दो, हर बार कालिंदी तो तुम्हारे घर का सारा काम संभाल लेती है, अगर इस बार उसे मन नहीं कर रहा है तो तुम और तुम्हारी छोटी भाभी मिलकर सारा काम संभाल लो, तुम वर्षा को अपने साथ लेकर जाओ। काव्या गुस्से में बोली, भैया अब आप भी भाभी के स्वर में ही बात करने लगे हैं। अरे आपकी भी एक बेटी है, कल को उसके मायके में कोई उसका अपमान करेगा तब आपको पता चलेगा। नीरज गुस्से में भड़क उठा और कहने लगा, अपनी बातों के बीच मेरी बेटी को बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम जो अपनी भाभी पर उंगली उठा रही हो, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। अगर तुम्हारे ससुराल में मेरी पत्नी का सम्मान ही नहीं होगा तो क्या ये वहाँ पर केवल नौकरानी की तरह खाना बनाने जाएगी? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? जब मैं इसे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजता था तो सोचता था कि परिवार में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी भाभी से इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। सारी सच्चाई जानने के बाद कालिंदी ने जो फैसला लिया है, मैं भी उसके फैसले में उसके साथ हूँ। और सिर्फ कालिंदी ही नहीं, तुम्हारी ससुराल के किसी भी फंक्शन में अब मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं है वहाँ मुझे हरगिज नहीं जाना। फिर पत्नी की ओर देखते हुए बोला, कालिंदी चलो कमरे में, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर वह कालिंदी का हाथ थामकर उसे कमरे में लेकर चला गया। और काव्या ठगी हुई सी भैया भाभी को जाते हुए देखती रह गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपनी छोटी भाभी वर्षा की ओर देखते हुए कहा, भाभी अब बड़ी भाभी तो किसी काम की है नहीं, लेकिन आप तो मेरी फेवरेट भाभी हो, चलो आप ही फंक्शन वाले दिन घर आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। वर्षा अपना पल्ला झाड़ते हुए कहने लगी, नहीं बाबा नहीं, मुझसे इतने सारे काम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैं तो फंक्शन के टाइम पर बस फंक्शन में शामिल होने के लिए आ जाऊंगी। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप किसी खाना बनाने वाली को बुला लो। वर्षा की बात सुनकर काव्या का मुंह उतर गया, क्योंकि पहले तो बड़ी भाभी के कारण सब खाने की तारीफ भी करते थे और खाना बनाने वाली के रुपए भी बचते थे, लेकिन आज अपने ही बेवकूफी के कारण उसने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। वह ये बात भूल गई थी कि बात जब किसी के आत्मसम्मान पर आती है तो कोई भी अपमानित होकर किसी की मदद करना नहीं चाहेगा। आज न केवल उसने अपनी भाभी का दिल दुखाया था, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सच्चे दिल से मदद करने वाले अपने भैया भाभी को भी उसने खो दिया था। इधर जब कालिंदी अपने पति के साथ कमरे में पहुंची तो उसने अपने पति के कंधे से सिर टिकाते हुए कहा, धन्यवाद जो आपने मेरी बात में मेरा साथ दिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप अपनी बहन का ही पक्ष लेंगे। नीरज कहने लगा, परिवार में एक दूसरे के काम आना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो लोग आपके कार्यों की सराहना नहीं करते और आपको बस इस्तेमाल करना ही जानते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लेना ही सही होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कालिंदी ने अपनी ननद के ससुराल न जाने का फैसला करके सही किया था या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।